हेलो फ्रेंड्स, जिया कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। और सभी को कुछ ठंडा, कुछ आइसक्रीम, कुल्फी जैसा खाने का मन करता है, तो हम आज बनाएंगे मलाईदार मटका कुल्फी, जो सबकी फेवरेट है। इसे हम केवल दूध से बनाएंगे, ना तो इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे, केवल दूध का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मोटे तले वाली कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा पानी, ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं और जले भी नहीं। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध का यूज किया है। ये दूध फुल क्रीम दूध है और दूध हमको कच्चा ही लेना है, गर्म किया हुआ दूध नहीं लेंगे। गर्म किया हुआ दूध लेने से आइसक्रीम में बर्फ बर्फ सी जम जाती है, तो हमें कच्चा दूध ही यूज करना है। और यदि कच्चा दूध नहीं है तो आप गर्म दूध ले सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा पकाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और दूध में उबाल आ चुका है। इसे हम हिलाते जाएंगे, हमको बीच बीच में इसे चलाते जाना है, ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं। दूध जब तक 1/3 नहीं हो जाता, तब तक हम इसे उबालेंगे और इसे हिलाते भी जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, दूध में उबाल आ रहा है और हम इसमें गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि दूध बाहर नहीं निकले। इसमें ये मलाई मलाई से आने लगी है। ये जो मलाई दिख रही है, इसी से ही इस कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसे हम चारों तरफ से हटाते जाएंगे, बिल्कुल दूध क्रीम क्रीम सा बनाना है। और जब तक 1/3 दूध नहीं बच जाए, जब तक ये उबाल उबालेंगे इसे हम। ये दूध आधे से भी कम हो गया है। इसमें मलाई मलाई अलग से दिखने लगी है। ये जो मलाई दिख रही है, ये इस कुल्फी का टेस्ट बहुत अच्छा बना देती है। इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, दूध का कलर भी बिल्कुल क्रीमिश क्रीमिश हो गया है। ऐसे में हम अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच केसर। इस केसर को मैंने दूध में भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ केवल केसर का यूज कर रही हूँ। फिर इसे और मिक्स कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ दूध दूध सा जम रहा है, दूध गाढ़ा हो गया है। बस इस तरह का दूध हमें बनाना है, और तब तक हम इसे गर्म करते रहेंगे। ये ऊपर मलाई इस पे और अच्छे से आने लगी है। इसे हम थोड़ी से थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, इस मलाई को हटाते रहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमिश, बिल्कुल मलाईदार दूध तैयार हो गया है। इस तरीके की यदि कुल्फी जमाते हैं तो बहुत ही अच्छी, बिल्कुल मलाईदार, परफेक्ट कुल्फी बनती है। अब इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच ये बादाम कतरन, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें पिस्ता कतरन। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। आपको काजू पसंद है तो काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इसमें डालते हैं हम चीनी। ये मैंने 1/2 कप चीनी यूज की है। ठंडा होने के बाद में चीनी थोड़ी कम लगती है, मीठापन कम हो जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे भी हम 2 मिनट तक और पकाएंगे, और चारों तरफ से इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे, और ये जो चारों तरफ मलाई लग रही है, इसे भी हटाते जाएंगे। कुल्फी जमाने के लिए दूध बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें मलाई मलाई सी भी आ गई है। मलाईदार कुल्फी के लिए बस इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। बस इसे बार बार में हमें मिक्स करते जाना है। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई कस्टर्ड पाउडर का यूज नहीं किया है, फिर भी दूध अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। ये देखिए, दूध ठंडा हो चुका है, और इस चम्मच पे हम दिखा रहे हैं, ये ऊपर से दूध इस तरीके से कोट हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट दूध तैयार है कुल्फी जमाने के लिए। आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं करना है, वरना कुल्फी जमेगी नहीं। कई लोगों की कुल्फी जमती नहीं है, वो इसीलिए नहीं जमती कि दूध को गाढ़ा कर लेते हैं या पतला ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा पतला करने से बर्फ बर्फ जम जाती है।
इसे हम विस्कर से मेश कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्रीम जैसा दूध तैयार हो जाए। आपके पास विस्कर ना हो तो आप इस रई का भी यूज कर सकते हैं। इस रई से अच्छे से इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल मलाई इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और दूध बिल्कुल क्रीमिश क्रीमिश सा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्रीमिश सा दूध तैयार हो गया है और ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम कुल्फी जमाएंगे, इसके लिए मैंने ये कुल्फी मोल्ड लिया है। आप चाहे तो इसके लिए स्टील का गिलास भी यूज कर सकते हैं या फिर ये डिस्पोजल कप भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप कुल्फी जमा सकते हैं। मैंने यहाँ मोल्ड लिए हैं, ये कुल्फी मोल्ड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इन्हें मैं इस गिलास में रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे मोल्ड को इन छोटे गिलासों में रख लिया है ताकि इनको आसानी से इस दूध को फिल किया जा सके और दूध गिरे भी नहीं। ये देखिए मैंने इसमें इस दूध को डाल दिया है। ऐसे ही हम दूसरे वाले मोल्ड में भी दूध डाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे मोल्ड्स में दूध डाल देंगे। ये हमने सबको फिल कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हम इस फॉइल पेपर से इसे कवर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। इसको कवर करने से इस कुल्फी में बर्फ नहीं जमती और बर्फ अंदर भी नहीं जाती है। ऊपर से हम ये रबड़ बैंड लगा देते हैं। आप चाहें तो यदि इसका ढक्कन हो तो ढक्कन लगा के भी पैक कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले कुल्फी मोल्ड को भी ऐसे ही कवर करेंगे। आप एक एक स्टेप देखते जाइए। बिल्कुल इसी तरह से यदि आप कुल्फी जमाएंगे तो आपकी कुल्फी बहुत ही अच्छी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये मैंने चारों कुल्फी को हमने पैक कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा इस पे हम कट लगा देते हैं या आइसक्रीम स्टिक लगाने के लिए मैंने ये छोटा छोटे कट लगाए ताकि स्टिक इनमें आसानी से लगा सके। या आइसक्रीम स्टिक ली है, इसे हम सीधा का सीधा इसमें हम रखेंगे। ऐसे ही ये दूसरे में भी स्टिक को रख देंगे। इन सभी आइसक्रीम मोल्ड में हम ऐसे ही सारी स्टिक लगा देते हैं और ये आइसक्रीम जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम फ्रीजर में रखते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमको पैक करना है। फ्रीजर में हम इसे 7 से 8 घंटे तक रखेंगे। 7 से 8 घंटे में जम जाती है। ये देखिए ये जमा के हमने इसे बाहर निकाल लिया है। ये आइसक्रीम रेडी है। हम आपको इसे खोल के दिखाते हैं। रबड़ बैंड हटा देते हैं, फिर ये कवर किया हुआ इसे भी हटाएंगे। इस फॉइल पेपर को हटा देते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल बढ़िया आइसक्रीम जमी है, बिल्कुल मलाईदार क्रीमिश। इसे हम एक बाउल में सादा पानी लेंगे, नॉर्मल है। इसको हम थोड़ा सा इसमें एक दो बार घुमाएंगे ताकि आइसक्रीम इस मोल्ड में से आसानी से निकल जाए। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया और बहुत ही अच्छी मलाईदार कुल्फी बनके तैयार हुई है। इसे हम सर्व कर लेते हैं और ऐसे ही हम दूसरी कुल्फी को भी निकाल लेते हैं। इस कवर को हम हटा देंगे और ऐसे ही इस पानी में 2-3 बार हम घुमाते हैं। आप किसी भी मोल्ड में आइसक्रीम जमाएं, यदि आपकी आइसक्रीम नहीं निकलती है तो आप ऐसे ही पानी में उसे थोड़ा सा घुमा के निकालें, बिल्कुल आसानी से कुल्फी निकल जाती है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की जैसी मटका कुल्फी तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा हम इसे बादाम से गार्निश कर लेते हैं। ये बादाम कतरन इस पे डाली है। अब डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता कतरन। अब इसमें डालेंगे ये सूखे हुए गुलाब की पत्तियां, थोड़ी सी रखी थी मेरे पास तो थोड़ा सा ये भी इस पे डाल देते हैं। आप देखिए कितना अच्छा लुक आया है और बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल मलाईदार कुल्फी बनके तैयार हुई है।
इस तरह से यदि आप कुल्फी बनाते हैं तो कुल्फी आपकी बिल्कुल बढ़िया जमेगी और कुछ भी ना तो ये ढीली रहेगी ना टाइट रहेगी। आप इसी परफेक्ट रेशो से कुल्फी बनाएं, हम आपको कट करके दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट कुल्फी बनी है, ये आप देखिए ये मटका मलाईदार कुल्फी तैयार है। आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी, सभी आपकी तारीफ करेंगे। यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।